फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अब आप मुझे अनअकैडमी ऐप, लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और मुझे फॉलो करने के लिए आप सर्च करिएगा सुनील चंद्र जोशी एजुकेटर में, और आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी वहाँ पर। तो आप मेरे लेसन्स जो भी मैं अनअकैडमी में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो मिल जाएंगे, और आप उन्हें देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए दोस्तों। और आप जो है, मेरा कोड भी है उसमें sunil.sppg7272 करके भी आप देख सकते हैं। वैसे नाम से अगर सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा वहाँ पर लेसन्स, एजुकेटर्स और एक अन्य कॉलम बना होगा। आपको एजुकेटर्स में जाके सुनील चंद्र जोशी देखिएगा और उसे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आज का चैप्टर शुरू करते हैं दोस्तों। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मई 2016 का पेपर जो था उसे मैं कंप्लीट करवाऊं, तो मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं मई का पेपर सीटेट के। हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे, पैडागोजी सेक्शन के लिए स्पेशल कमेंट्स आए थे, तो हम पहले इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, बच्चा क्या सीखता है, कितना सीखता है, कितना अच्छा सीखता है, और उस सीखे हुए को वह विभिन्न स्थितियों में लागू करने में कितना सक्षम है, यह निर्भर करता है। ठीक है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि कोई भी बच्चा कितना सीखता है, कितना अच्छा सीख रहा है, वो उसकी कौन सी परिस्थितियों में निर्भर करेगा। पहला है शिक्षक द्वारा स्मरण और प्रत्यास्मरण के दिए गए अवसरों पर, या उसके माता पिता की बुद्धि पर, विद्यालय के द्वारा दिए गए पुरस्कार पर, या विषयों और लोगों के प्रेक्षण और उनसे परस्पर क्रिया के अवसर पर। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? जी हाँ, इसका उत्तर होगा पहला, क्योंकि एक बच्चे की बात कर रहा है तो इसमें क्या होगा कि जो शिक्षक उसे जितना मौका देगा इसलिए वो उतना ही सीख पाएगा, जितना प्रत्यास्मरण रिकॉल का उसे मौका मिलेगा उतना ज़्यादा बच्चा चीज़ों को समझेगा और जल्दी सीखेगा। अगले प्रश्न में आते हैं, गति की विकास या प्रेरक विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत है। ठीक है, समीप दूराभिमुख सिद्धांत का मतलब हुआ दोस्तों प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। विकास पैर से सिर की ओर होता है या बचपन और जैविकी परिवर्तन की ओर श्रृंखला है। विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर होता है, या विकास सिर से पैर की ओर अभिमुख होता है। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? जी हाँ, इसका तो मैं कई बार बता चुका हूँ, इसका सही उत्तर है थर्ड वन। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन ठीक है? सभी बच्चों के लिए बचपन प्रसन्नता की अवस्था होती है, बच्चे विचार करने में बड़ों जैसे ही होते हैं, बच्चे शैतान जीव हैं, विभिन्न सामाजिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के बच्चे का अनुभव विभिन्न रूप से करते हैं। तो यही है कि जिसका जैसा सामाजिक या सांस्कृतिक संदर्भ होगा या परिवेश होगा तो बच्चा भी उसी तरह के बचपन का अनुभव करेगा। व्यक्तिगत भिन्नता वंशानुगत कारकों तथा डैश के बीच जटिल परस्पर क्रिया का, तो वंशानुगत कारक पहले तो दे रखे हैं मैं, तो दूसरा क्या बच्चा? जी हाँ, वातावरण। अगला है, बच्चों के समाजीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? समाजीकरण में बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो है भौतिक आधारभूत संरचना। इसमें फिजिकल कहीं पे भी नहीं आता उसके समाज की भूमिका के लिए। पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? कौन सा युग्म आवश्यक होगा दोस्तों? आत्मसीकरण या तथा जीडीपी, समायोजन तथा आधारभूत सहायता, आईक्यू तथा सृजनात्मकता, आत्मसीकरण या समायोजन। तो उन्होंने दिया था आत्मसीकरण तथा समायोजन। कोई बच्चा किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे पूर्ण की अवहेलना कर देता है। ठीक है, किसी एक पक्ष पर ध्यान दे रहा है, दूसरे की अवहेलना कर रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? आत्मकेंद्रित व्यवहार या अनुकरण की अक्षमता या प्रतीकात्मक विचार पर फोकस, या तो ये उसका क्या है? आत्मकेंद्रित व्यवहार है। ठीक है, पूर्व परंपरागत नैतिकता में बहुत से नियमों तथा मूल्यों को व्यक्ति द्वारा आंतरिकता दी जाती है। न्याय के व्यापक तथा उदारता आधारित सिद्धांत नियमों को सामाजिक अनुबंध के रूप में देखने के लिए शामिल किए जाते हैं। नियमों तथा मूल्यों का विचार विकसित नहीं होता है, व्यक्ति के लिए नियम तथा मूल्य बाह्य होते हैं। अगर पूर्व परंपरागत नैतिकता की बात करें
तो क्या होगा इसका दोस्तों, यह है